देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है, जिसके दौरान पैसे की किल्लत भी बन रही है। पैसे लेने के लिए बैंक में भारी भीड़ का जमावड़ा लग रहा है। वहीं भारत सरकार के डाकघरों ने अब पेमेंट बैंक के जरिए गाँव में जाकर लोगों को पैसे देने की सुविधा शुरू कर दी है। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस ने एक AEPR वैन की शुरुआत की है, जो सिवान के साथ महाराजगंज में गाँव जाकर लाचार व वृद्ध लोगों को सुविधा दे रही है, ताकि उन लोगों को लॉकडाउन में भी कहीं पैसे के लिए ना भटकना पड़े। पोस्ट ऑफिस से AEPR के माध्यम से महाराजगंज में सर्किल इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार रमण ने पोखरा गांव में दिलीप सिंह को पैसे देकर शुरुआत की। इस AEPR के माध्यम से पोस्ट ऑफिस ग्राहक के आधार से किसी भी बैंक खाते से पैसे दे रही है, जो एक भारत सरकार का सराहनीय कदम है। महाराजगंज अनुमंडल के बसंतपुर, गोडेकोठी, भगवानपुर, लकड़ी नबीगंज आदि शहरों में डाकघर की चलंत वैन AEPR के माध्यम से किसी भी बैंक के खाता से आधार के माध्यम से पैसे उपलब्ध करा रही है, जिसे लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस कार्य में सर्किल इंस्पेक्टर अरुण कुमार रमण का अहम योगदान रहा। उनका कहना है कि पोस्ट ऑफिस लोगों को सारी सुविधाएं दे रहा है। आज अब पोस्ट ऑफिस का जो एक चला है अभियान AEPS, आखिर इसका उद्देश्य क्या रहा है पोस्ट ऑफिस की तरफ से? देखिए, क्या है ना कि अभी जो कोरोना महामारी चला है, और इस महामारी में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया है, तो लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो गरीब तबके के लोग हैं या आम आदमी है, उनको पैसे की आवश्यकता है, और ऐसी परिस्थिति में जो भारत सरकार किसी भी तरह का DBT का पैसा जो किसी भी बैंक खाते में भेज रही है, तो हमारा पोस्ट ऑफिस AEPS के माध्यम से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से जितने भी CBS डाकघर हैं या शाखा डाकघर हैं, वहां पर ये भुगतान की सुविधा दी गई है। और आज जो हमारे माननीय डाक अधीक्षक महोदय के द्वारा सिवान से हम लोग भी उपस्थित थे, और ये निर्देश हमारे माननीय पोस्टमास्टर जनरल श्री अशोक कुमार सर का था कि आप लोग वहां पर मोबाइल पोस्ट ऑफिस शुरू करें, और जो गांव-गांव में जाए, जहां पर पोस्ट ऑफिस सुदूर देहात में है, जहां वृद्ध महिलाएं पोस्ट ऑफिस तक नहीं पहुंच सकती है, तो एक पहल किया गया है मोबाइल पोस्ट ऑफिस का, और उसको हम लोग आज शुरुआत पोखरा, सीधे सिवान से हम पोखरा लेकर के आए हैं, और दिलीप सिंह का प्रथम निकासी यहाँ पर किया गया है, जो आप देखे हैं यहाँ पर निकासी। एक्चुअल अभी तत्काल लॉकडाउन पीरियड के लिए ये व्यवस्था की गई है, अगर ये सक्सेस रहा तो इसको आगे भी बढ़ाने के लिए विभाग विचार कर सकते, लेकिन तत्काल हमारा पोस्ट ऑफिस हर गांव-गांव में है। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोग घर से निकल करके बैंकों तक और पोस्ट ऑफिस तक पहुंचेंगे। हालांकि अभी भी पोस्ट ऑफिस में बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ रह रही है, तो इन चीज़ों को देख करके कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, बैंकों में भीड़ ना हो, ऐसी परिस्थिति में ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा पहल की गई है कि लोग पोस्ट ऑफिस से भी आ करके अपना पैसा निकालें। और सबसे खास बात यह है कि आपको कोई पासबुक लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आधार कार्ड अगर आपके पास है और मोबाइल है, तो आप किसी भी बैंक का पैसा 100 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की निकासी आप नजदीकी शाखा डाकघर में या उप डाकघर में CBS डाकघर में आप कर सकते हैं। और जो आज मोबाइल पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ है, इसको नॉन CBS पोस्ट ऑफिस की तरफ हम लोग कुछ कराएंगे, जहां पे CBS पोस्ट ऑफिस नहीं है, ताकि वहां भी लोगों को हम लोग सुविधा दे सकते। तो जाने के क्रम में इन्होंने फोन किया कि हमको पैसे की जरूरत है, दिलीप सिंह जी ने, इन्होंने कल फेसबुक पे भी लिखा था कि हमको पैसे की जरूरत है, और हमने इनको आश्वस्त किया था कि कल आपके घर पे पहुंच करके हम पेमेंट करेंगे, और आज इनका पेमेंट हम किया। यहां के बाद हम निकलेंगे बसंतपुर होते हुए लकड़ी नबीगंज तक जाएंगे, और वहां पेमेंट करा करके फिर शाम को सिवान वापस करेंगे, और ये सिवान और गोपालगंज जिले के विभिन्न जगहों पे ये मोबाइल पोस्ट ऑफिस जाएगा, रन करेगा। अगर ये सक्सेस रहा तो और भी गाड़ियां खोलने पर विचार किया जा सकता। यह पोस्ट ऑफिस का इतना बढ़िया स्कीम है कि कल पूर्वी जोन के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार रमन जी का कल हमने फेसबुक पर देखा, और हमें पैसे की आवश्यकता थी, हमने इनको फेसबुक पर लिखा, और ये तुरंत उधर से इनकी रिप्लाई आई कि कल हम आपके घर पे आएंगे, और आज वो हमारे घर पे आके पोखरा में उन्होंने मुझे पेमेंट किया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। यह इसका अनुभूति मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो आज लॉकडाउन में घर घर जाके इनके द्वारा इस अभियान को जो चलाया जा रहा है, इसमें लाखों लाख लोगों को इसका लाभ जो है सीधे प्राप्त। इस AEPR सेवा के माध्यम से गांव के लोगों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा, साथ ही घर पे ही पैसा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत फोकस।